मी और आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज। बिग बॉस सीजन 13 के घर में सबसे ज्यादा अगर किसी जोड़ी को पसंद किया जा रहा है तो वो है शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी। इन दोनों को सच में इतना पसंद किया जा रहा है कि इन दोनों को सिद्धनाज का नाम मिल गया है। लेकिन वही इतना इन दोनों में प्यार होने के बाद भी आजकल इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर लग गई है। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज के साथ अपना हर रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शहनाज भी सिद्धार्थ को मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। दरअसल आपने बीते एपिसोड में देखा होगा कि किस तरह सिद्धार्थ ने शहनाज से कहा कि तुम जैसी लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ ने शहनाज से बीते एपिसोड में ये भी कहा था कि तुम जैसे लोग मेरे दोस्त नहीं हो सकते। सोचने वाली बात तो ये है कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है जो सिद्धार्थ शहनाज का हमेशा साथ देते थे, शहनाज को हमेशा समझाते थे, वही सिद्धार्थ शहनाज से इस तरह बोलते हुए नजर आए हैं। आइए आपको बताते हैं क्यों टूट रही है सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी। इसमें कोई दोराहे नहीं है कि शहनाज और सिद्धार्थ बहुत क्लोज है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को लेकर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। जी हाँ, जिस तरह शहनाज को सिद्धार्थ का किसी लड़की से बात करना पसंद नहीं आता है, वैसे ही सिद्धार्थ को भी शहनाज का किसी लड़की से बात करना अच्छा नहीं लगता है। आपको याद होगा कि वीकेंड के वार में शहनाज पारस से आसिम के बेड पर बैठकर बात कर रही थी। शायद सिद्धार्थ को यही सब पसंद नहीं आया और सिद्धार्थ ने शहनाज से बात करना बंद कर दिया। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि शहनाज ने इसमें सिद्धार्थ को ना मनाया हो। शहनाज ने सिद्धार्थ को मनाने की पूरी कोशिश की, और इतना ही नहीं, शहनाज को ऐसा फील भी हो रहा है कि शायद सिद्धार्थ शहनाज से पारस वाली बात पर गुस्सा है, इसलिए शहनाज ने सिद्धार्थ के सामने ही पारस को वीरे बुलाया और पारस को भी कहा कि तू मुझे सिस्टर बोल, चाहे आगे कुछ भी लगा। जी हाँ, शहनाज ने ये कहा कि पारस तू मुझे चाहे फेक सिस्टर बोल, लेकिन तू मुझे सिस्टर बोल। तो देखा आपने कि किस तरह शहनाज सिद्धार्थ को मनाने के लिए पारस को वीरे बुलाती हैं और पारस को खुद को सिस्टर बोलने के लिए कहती हैं। लेकिन वही अब जब घर में नॉमिनेशन टास्क चल रहा है, उसमें भी सिद्धार्थ शुक्ला ने आरती सिंह को सेव किया है। सिद्धार्थ के इस स्टेप की वजह से शहनाज सिद्धार्थ को आई हेट यू भी कहती हुई दिखाई दी है। जी हाँ, वही शहनाज सिद्धार्थ को हेट यू कहती हुई दिखाई दी जो शहनाज दिन रात सिद्धार्थ को आई लव यू कहती थी। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ ने भी शहनाज के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा है जो शहनाज को भी बुरा लग गया है, और इसी वजह से शहनाज बहुत ज्यादा रोई भी है। सबको हंसाने वाली शहनाज आज फिर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रही है, और उस इंसान की वजह से जिस इंसान को शहनाज बहुत ज्यादा पसंद करती है। बता दे, सिद्धार्थ का शहनाज को ऐसा कहना कि जो अपने माँ बाप की नहीं वो किसी की नहीं। जी हाँ, सिद्धार्थ ने शहनाज को ऐसा कहा कि जो अपने माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं। इन दोनों के बीच की ऐसी दोस्ती एक और रूप लेकर आई है जिसको देखकर फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आइए देखते हैं फैंस का इस मामले पर क्या कहना है। सिद्धार्थ शुक्ला ने बिना शहनाज के अतीत के बारे में जाने, बिना उनकी फैमिली के बारे में जाने, शहनाज को ये कह दिया कि ऐसी लड़की किस काम की जो अपने माँ बाप की सगी नहीं है। जी हाँ, सिद्धार्थ के ऐसे कहने पर
कि जो अपने माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं। इस बात पर शहनाज फैंस बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। शहनाज फैंस का कहना है कि सिद्धार्थ जैसे दोस्तों से अच्छे तो दुश्मन होते हैं। फैंस का कहना है कि 3 महीने की दोस्ती में सिद्धार्थ ने शहनाज को क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद भी शहनाज हमेशा सिद्धार्थ के लिए खड़ी रही हैं। तो देखा आपने किस तरह शहनाज फैंस भड़के हुए हैं सिद्धार्थ शुक्ला पर। शहनाज चाहे फ्लिपर है, लेकिन शहनाज ने हमेशा सिद्धार्थ का साथ दिया है, चाहे शहनाज कहीं भी चली गई हो। और ये बात तो 100 आने सच है कि सिद्धार्थ के इतना सब शहनाज को कहने के बाद भी शहनाज हमेशा सिद्धार्थ के लिए खड़ी रहती है। लेकिन आपको क्या लगता है शहनाज ने सिद्धार्थ के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खो दी है? क्या सिद्धार्थ का शहनाज के साथ इतना क्लोज आना ठीक था? अगर सिद्धार्थ को शहनाज के साथ लास्ट में ऐसा ही सब बोलना था, क्या सिद्धार्थ शहनाज से ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? क्या इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती में ये लड़ाई इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देगी, या फिर ये दोनों एक हो जाएंगे? क्या सिद्धार्थ ने ये बात इसीलिए कही क्योंकि शहनाज के पिता ने शहनाज को पारस से बात ना करने की कसम दी थी, उसके बाद भी शहनाज ने पारस से बात की? इन सब सवालों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।